हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को गुड इवनिंग। देखिए फ्रेंड्स, यह वीडियो आप सभी के लिए अर्जेंट में बनाई जा रही है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको IOTX व CTSI टोकन को लेकर एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको आज से 5 दिन पहले ही IOTX कॉइन के बारे में सब कुछ बताया था, और मैंने आपको कहा था कि अगर IOTX की प्राइस जो मैं आपको लेवल बता रहा हूं, अगर इस लेवल के आसपास देखने को मिलती है तो डेफिनेट आप यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर आपको एक प्रॉफिट हो सकता है। और देखिए, जिन मेरे भाइयों ने उस लेवल एंट्री ली होगी उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट IOTX कॉइन के अंदर हुआ होगा, क्योंकि IOTX के अंदर एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला है उस लेवल से। और उसी के साथ में मैंने आपको CTSI टोकन के बारे में भी बताया, और फ्रेंड्स मैंने आपको CTSI टोकन और IOTX के बारे में जो कुछ बताया वो आपको अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया। और फ्रेंड्स, मैंने आपको टेक्निकली ये बातें बताई थी कि CTSI टोकन के अंदर एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न का नाम था एडम एंड ईव पैटर्न। और मैंने आपको यह भी कहा था कि CTSI टोकन 0.80 के आसपास अगर स्टेबल हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको CTSI टोकन के अंदर एक जबरदस्त पंप देखने को मिल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने वाला हूं कि इन दोनों के अंदर वापस से एक पंप क्यों देखने को मिला है, और उसके साथ में अब इनकी प्राइस कहां कहां तक देखने को मिल सकती है, और आप शॉर्ट टर्म के लिए अब कौन से लेवल पर एंट्री लेकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, उसी के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि CTSI टोकन की प्राइस आपको $2 तक बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स, बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहां पर आपको जो भी कॉइंस बता रहा हूं उनके अंदर बैक टू बैक पंप देखने को मिल रहा है। और क्यों मिल रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको कॉइन ही ऐसे बता रहा हूं जिनके अंदर वास्तव में एक पंप देखने को मिल सकता है। देखिए आप खुद देख सकते हैं, CHR के अंदर वापस से एक पंप देखने को मिल रहा है, IOTX के अंदर वापस से एक पंप देखने को मिला है, और तो और CTSI टोकन की प्राइस के अंदर तो एक अच्छा खासा पंप अभी थोड़ी देर पहले ही देखने को मिला है, और CTSI टोकन की प्राइस थोड़ी देर पहले 95 रुपीज के आसपास भी देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर बात यह है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और उसी के साथ में मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर चलता हूं सीधा स्क्रीन पर, और वहां से मैं आपको पहले CTSI टोकन के बारे में बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको IOTX के बारे में बताना चाहूंगा। तो देखिएगा, तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम पर CTSI टोकन की जो प्राइस चल रही है USDT के पेर में, वो चल रही है $1.0320 के आसपास, और अगर INR के पेर में बात करूं तो लगभग 83 रुपीज के आसपास। देखिए, मैंने आपको आज से 10 दिन पहले ही CTSI टोकन के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया था, और मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया था कि CTSI टोकन के अंदर एक पैटर्न बन रहा है, और उस पैटर्न का नाम है एडम एंड ईव पैटर्न। देखिए फ्रेंड्स, आप अभी भी देख सकते हैं, मैंने आपको इस पैटर्न के बारे में बताया था, ये तो बन रहा था एडम और ये बन रहा था इव। मैंने आपको कहा था कि एडम होता है वी आकृति का, और जो इव होता है वो होता है यू आकृति का, और जब कब एडम एंड ईव पैटर्न बनता है तब यह एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन से बनते हैं, और वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन फ्रेंड मैंने आपको बताई थी ये वाली, और ये लेवल था 0.8004 के आसपास का, जो आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए, इसी रेजिस्टेंस लेवल से बार-बार CTSI टोकन की प्राइस नीचे देखने को मिली है, आप यहां पर देख सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और जब इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास CTSI टोकन की प्राइस स्टेबल हुई तो एक अच्छा खासा पंप भी देखने को मिला। देखिए, यहां कहीं तक भी प्राइस देखने को मिली। देखिए, फिर यहां से एक बार और CTSI टोकन की प्राइस इसी रेजिस्टेंस लेवल से नीचे देखने को मिली, फिर एक बार यहां से नीचे देखने को मिली, और देखिए फ्रेंड्स, एक बार जैसे इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया तो प्राइस यहां कहीं तक भी देखने को मिली। देखिए, इसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास प्राइस स्टेबल होकर वापस ऊपर देखने को मिली, और इसी रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस नीचे भी देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, ऐसे में जो मैंने आपको लेवल बताया 0.8004 के आसपास का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था CTSI टोकन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको ये जो CTSI टोकन के अंदर इतना बड़ा पंप देखने को मिला है उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैंने आपको उस टाइम पर भी बताया था कि एडम एंड ईव पैटर्न बन रहा है, तो अब आपको CTSI टोकन के अंदर एक अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है। और देखिए फ्रेंड्स, अभी जो पंप देखने को मिला है उसका कारण यह था कि CTSI टोकन की प्राइस इस तरीके से अपने को ऊपर तो देखने को मिली, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक ट्राइंगल चार्ट पैटर्न के अंदर देखने को मिली, जो आप यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके का एक ट्राइंगल चार्ट पैटर्न बन रहा था। जैसे इस ट्राइंगल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो CTSI टोकन के अंदर एक जबरदस्त पंप देखने को मिला, और यहां कहीं तक CTSI टोकन की प्राइस देखने को मिली। देखिए फ्रेंड्स, ये लेवल भी मैंने आपको बता दिया था कि इस लेवल तक आपको CTSI टोकन की प्राइस कभी देखने को मिले तो यहां से आपको CTSI टोकन की प्राइस वापस से नीचे देखने को मिल सकती है, और एग्जैक्ट इसी लेवल से CTSI टोकन की प्राइस नीचे भी देखने को मिली है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको यह भी कहा था कि अगर CTSI टोकन की प्राइस इस लेवल के आसपास आपको कभी वापस नीचे देखने को मिले और इस लेवल के आसपास स्टेबल हो तो यहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं, और बहुत सारे फ्रेंड्स ने यहां पर दोबारा एंट्री लेकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया। देखिए फ्रेंड्स, अभी के लिए
लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि CTSI टोकन, मैं आपको जो रेजिस्टेंस लेवल बता रहा हूं, अगर उस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास स्टेबल हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको एक और अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है CTSI टोकन के अंदर। देखिए वो रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला। फ्रेंड्स देखिए अभी फिलहाल के लिए CTSI टोकन की प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल से नीचे चल रही है, तो अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास CTSI टोकन की प्राइस स्टेबल हो जाती है तो यहां से आपको CTSI टोकन के अंदर एक अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है। देखिए फ्रेंड्स ये लेवल है 1.0646 के आसपास का, जबकि प्राइस कहां पे चल रही है, प्राइस यहां कहीं चल रही है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेना चाहते हैं तो इसी लेवल पर एंट्री ले सकते हैं, अगर CTSI टोकन की प्राइस यहां कहीं स्टेबल होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर। और अगर मान लीजिए वापस से CTSI टोकन की प्राइस आपको इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास देखने को मिले तो यहां पर भी आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं। ये लेवल है 0.9018 के आसपास का। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको इस रेजिस्टेंस जोन के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया था और मैंने आपको कहा था कि अगर इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट होगा तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको एक अच्छा खासा पंप देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी रेजिस्टेंस जोन से CTSI टोकन की प्राइस बार बार नीचे देखने को मिल रही है। देखिए जैसे इस रेजिस्टेंस जोन से CTSI टोकन की प्राइस बार देखने को मिली तो CTSI टोकन की प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा पंप भी देखने को मिला। देखिए फ्रेंड्स अगर आप यहां पर या यहां पर एंट्री लेते हैं तो आप कहां पर सेल करें इसको भी लेकर मैं आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहली बात, इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है, अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास CTSI टोकन की प्राइस स्टेबल हो जाती है इस लेवल के बाद में, तो इस लेवल से CTSI टोकन की प्राइस ऊपर के इन लेवल्स तक भी देखने को मिल सकती है, जिनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स इस लेवल के बाद में CTSI टोकन की प्राइस आपको इस लेवल तक देखने को मिल सकती है, ये लेवल है 1.50 के आसपास का, फिर इस लेवल तक देखने को मिल सकती है, ये लेवल है 1.75 के आसपास का, फिर उसके बाद में CTSI टोकन की प्राइस इस लेवल तक भी देखने को मिल सकती है, ये लेवल है $2 के आसपास का, और उसके बाद में CTSI टोकन की प्राइस आपको थोड़े लंबे समय के बाद में इस लेवल तक भी देखने को मिल सकती है, ये लेवल है 2.4088 के आसपास का। तो फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी CTSI टोकन की प्राइस $2 तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स इस लेवल के आसपास CTSI टोकन का अपना ऑल टाइम हाई बैठा हुआ है। अगर CTSI टोकन अपने इस पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करता है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको CTSI टोकन की प्राइस $2 तक भी बहुत आसानी के साथ में देखने को मिल सकती है, और अगर इस लेवल के आसपास स्टेबल होती है तो CTSI टोकन की प्राइस इस लेवल तक भी आपको देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारी बातें बता दी है। देखिए फ्रेंड्स अभी के लिए मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि अगर मान लीजिए बिटकॉइन की प्राइस के अंदर करेक्शन आता है तो CTSI टोकन की प्राइस आपको इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास भी देखने को मिल सकती है। ये जो आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल देख रहे हैं इसकी लेवल है 0.7501 के आसपास का। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आपको प्राइस देखने को मिल सकती है अगर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर करेक्शन आता है तो ऐसी स्थिति के अंदर। और फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम पर फियर और ग्रीडी इंडेक्स बहुत ज्यादा ग्रीडी शो कर रहा है, तो ऐसे में आपको जितने भी अल्टकॉइन है उनके अंदर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे बिटकॉइन की प्राइस के अंदर करेक्शन देखने को मिलता है तो ऐसी स्थिति के अंदर। तो आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस का यूज जरूर जरूर करें। देखिए फ्रेंड्स ये जो लेवल मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, यहां से प्राइस आपको इस तरीके से वापस देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको कहां पर एंट्री लेनी चाहिए ये बात मैंने आपको बता दी है, और उसी के साथ में CTSI टोकन की प्राइस अब आगे कहां कहां तक देखने को मिल सकती है ये बात भी मैंने आपको बता दी है, और प्रेजेंट टाइम पर CTSI टोकन के अंदर ये बड़ा पंप क्यों देखने को मिला इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। देखिए फ्रेंड्स आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बात तो बता सकते हैं कि प्राइस आपको इस लेवल से इस लेवल तक देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको कोई भी यह नहीं बताएगा कि प्राइस क्यों देखने को मिल सकती है, और मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर क्यों का कारण भी बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स उसी के साथ में मैं एक और बात आपको बता देता हूं कि CTSI टोकन के 31 दिसंबर 2021 को 3 बहुत बड़े इवेंट आने वाले हैं, तो इन 3 बहुत बड़े इवेंट से पहले आपको CTSI टोकन की प्राइस $2 से भी बहुत ऊपर देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स अब मैं बात कर लेता हूं IOTX टोकन को लेकर। तो देखिएगा देखिए फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम पर IOTX टोकन की जो प्राइस चल रही है वो $0.18642 के आसपास चल रही है, और मैंने आपको आज से 6 दिन पहले ही IOTX कॉइन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दी थी। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको इसके बारे में बताया था और मैंने आपको कहा था कि इस तरीके का एक चैनल IOTX के अंदर देखने को मिल रहा है, और अगर इस चैनल का ब्रेकआउट होता है तो ऐसे में आपको IOTX के अंदर एक जबरदस्त पंप देखने को मिल सकता है, और देखिए एग्जैक्ट वही हुआ। और देखिए IOTX ने जैसे इस चैनल का ब्रेकआउट किया तो IOTX की प्राइस अपने को बहुत ऊपर देखने को मिली, और मैंने आपको कहा भी था कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो अभी आप इसी जोन के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अब मेरे जिन भाइयों ने IOTX के अंदर इस चैनल के अंदर एंट्री ली होगी उनको एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म के लिए हुआ होगा। देखिए फिर मैंने आपको कहा था कि IOTX की प्राइस अगर आपको इस लेवल तक वापस देखने को मिले, देखिए फ्रेंड्स कौन से लेवल तक, इस लेवल तक, तो यहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए वापस एंट्री बना सकते हैं। देखिए जैसे इस
इंपॉर्टेंट चैनल का ब्रेकआउट हुआ तो IOTX की प्राइस इस तरीके से ऊपर देखने को मिली। और मैंने आपको कहा था कि यहां पर IOTX को एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन मिलने वाला है। यह रेजिस्टेंस जोन दो लेवल से बना हुआ है, जिसके अंदर एक लेवल है 0.15 के आसपास और दूसरा लेवल है 0.14 के आसपास। देखिए फ्रेंड्स, इसी रेजिस्टेंस जोन को होल्ड ना करने की वजह से IOTX की प्राइस वापस से इस रेजिस्टेंस जोन से नीचे देखने को मिली, आप यहां पर देख सकते हैं। और देखिए पिछले कुछ दिनों से IOTX कॉइन की प्राइस एक आयताकार बॉक्स के अंदर साइडवेज मूव कर रही थी और यही कारण है कि IOTX के अंदर एक पंप देखने को मिला है। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी किसी कॉइन की प्राइस इस तरीके के आयताकार बॉक्स के अंदर देखने को मिलती है तब उसके अंदर पंप होने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक आयताकार बॉक्स बता दिया और किसी भी कॉइन की प्राइस अगर आयताकार बॉक्स के अंदर चल रही है इसका मतलब उसके अंदर पंप होगा ही होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी कॉइन की प्राइस आयताकार बॉक्स के अंदर चल रही है तो उसके लिए और भी बहुत सारी चीजें जरूरी होती है। अगर वो सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको उस कॉइन के अंदर एक पंप देखने को मिल सकता है। और देखिए एग्जैक्ट यहां पर सारी चीजें बिल्कुल सही थी। यहां पर जो सपोर्ट बनाया IOTX ने वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास बनाया और मैंने आपको इसी रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बताया था एक वीडियो के अंदर। और मैंने आपको कहा था कि अगर IOTX की प्राइस इस सपोर्ट लेवल के आसपास देखने को मिले तो यहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं। अब जिन भाइयों ने वापस से IOTX के अंदर इस लेवल के आसपास एंट्री ली होगी उनको डेफिनेट एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट IOTX के अंदर हो रहा होगा। क्योंकि फ्रेंड्स इस आयताकार बॉक्स का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो IOTX की प्राइस अपने को यहां कहीं तक देखने को मिली है और वापस से IOTX ने अभी प्रेजेंट टाइम पर जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पर एक अपना नया ऑल टाइम हाई भी बना दिया है। देखिए यहां पर IOTX ने अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया, फिर उसके बाद में IOTX ने वापस से एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया है। प्रेजेंट टाइम पर जो प्राइस चल रही है वो 0.1866 के आसपास चल रही है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब हो सकता है IOTX की प्राइस आपको इस लेवल तक भी देखने को मिले। क्योंकि फ्रेंड्स मैं वीडियो बनाकर वीडियो को अपलोड करूंगा तब तक बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल IOTX के बारे में बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए अगर IOTX की प्राइस इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास अपना सपोर्ट बना लेती है तो ऐसे में IOTX की प्राइस आपको ऊपर के इन लेवल्स तक बहुत आसानी के साथ में देखने को मिल सकती है। इन लेवल्स के बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए इस लेवल के बाद में IOTX की प्राइस आपको इस लेवल तक देखने को मिल सकती है, ये लेवल है 0.200 के आसपास का जो आप यहां पर देख सकते हैं, और उसके बाद में प्राइस आपको इस लेवल और इस लेवल तक भी देखने को मिल सकती है। ये लेवल है 0.23 के आसपास का, ये लेवल है 0.25 के आसपास का। देखिए यहां पर ये वाला जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस लेवल के आसपास IOTX की प्राइस स्टेबल हो जाती है तो ऐसे में आपको IOTX की प्राइस आगे आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, या हो सकता है अगर वॉल्यूम अच्छा रहा तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको IOTX की प्राइस इस लेवल और इस लेवल तक भी देखने को मिल सकती है। ये लेवल है 0.30 के आसपास का और ये लेवल है 0.34 के आसपास का। देखिए आप ऑलरेडी देख सकते हैं IOTX की प्राइस इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से ऊपर आ चुकी है और प्रेजेंट टाइम पर इस लेवल की ओर बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स ऐसे में यहां तक भी आपको प्राइस देखने को मिल सकती है जब आप वीडियो देख रहे हो, और हो सकता है आपको प्राइस यहां कहीं तक भी देखने को मिले। तो फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मैंने आपको बता दिया है कि IOTX की प्राइस आपको कहां कहां तक देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड्स जो मैंने आपको ये लेवल्स बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं लेवल्स से IOTX की प्राइस नीचे देखने को मिल सकती है। देखिए फ्रेंड्स अगर आपने IOTX के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री बना रखी है तो मैंने आपको जो लेवल्स बताए उन लेवल्स पर आप जाकर सेल कर सकते हैं अगर आप सेल करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर। और देखिए फ्रेंड्स अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए IOTX के अंदर अब एंट्री लेना चाहते हैं तो मैं आपको जो एंट्री लेवल्स बता रहा हूं उन एंट्री लेवल्स पर आप एंट्री बना सकते हैं। देखिए अगर आपको IOTX की प्राइस वापस इस लेवल के आसपास देखने को मिले, ये लेवल है 0.15 के आसपास का, तो यहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं। और देखिए अगर मान लीजिए इस लेवल का ब्रेकडाउन भी होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर आप IOTX के अंदर इस लेवल के आसपास भी एंट्री ले सकते हैं। वैसे तो ये जो जोन आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है IOTX के लिए, क्योंकि इसी जोन से IOTX की प्राइस पहले बहुत बार नीचे देखने को मिली है और जब इस लेवल के आसपास सपोर्ट बनाया है IOTX ने तो यहां से अब प्राइस आपको इस तरीके से ऊपर देखने को मिल सकती है। और देखिए फ्रेंड्स अगर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक बड़ा करेक्शन आता है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको IOTX की प्राइस इस लेवल तक भी वापस से देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और देखिए उसी के साथ में मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि 17 नवंबर 2021 को IOTX का एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है और उसी इवेंट की वजह से आपको ये पंप देखने को मिल रहा है और आपको एक और पंप देखने को मिल सकता है उस इवेंट से पहले। तो फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए लगातार IOTX की प्राइस बढ़ रही है और IOTX की प्राइस अब चली गई है 0.19283 के आसपास। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको IOTX और CTSI टोकन की यह वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उसी के साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट अपडेट मैं हमेशा आगे भी लेकर आता रहूंगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।